स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना। आज आपकी क्लास 5 की पहली मैथ की क्लास है और इस क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस वेरी फर्स्ट चैप्टर, और इसका नाम भी आप देखेंगे तो होल नंबर्स का। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स फर्स्ट। होल नंबर्स क्या है? तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स आर नंबर्स, होल नंबर्स नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड गो ऑनवर्ड और बढ़ते चले जाते हैं आगे की तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते 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 10 और फिर बढ़ते 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 50, फिर 51, फिर आगे चले जाए तो 100 एंड सो ऑन। सो ये तमाम नंबर्स अगर आप गौर करें तो पॉजिटिव है, इसमें कोई निगेटिव नंबर शामिल नहीं है। यानी होल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दे आर पॉजिटिव नंबर्स एंड डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, इनमें फ्रैक्शन शामिल नहीं है। ठीक है, समझ गया आप लोग होल नंबर्स? यानी वो तमाम नंबर्स जो जीरो से शुरू होकर आगे की तरफ चलते बढ़ते चले जाते हैं और उनमें निगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। ठीक है बेटा, ओके। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा पहला टॉपिक भी है, और उस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, जो ओरिजिनल हमारे पास हेडिंग डली हुई है मल्टीप्लीकेशन के नीचे, वो है मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 और 1000। यानी वो हमें बताने ही चाह रहे हैं कि जी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से करें, 1000 से करें। दो तरह के मैथमेटिक्स हैं, एक वो मैथमेटिक्स है जो मैं पढ़ा करता था बचपन में जिसमें हम हर चीज़ को करके देखते थे, और एक वो मैथमेटिक्स है जो जदीद स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में टेक्निक्स सिखाई जाती है। तो यहाँ आपने बेसिकली टेक्निक सीख रहे हैं, आपके लिए क्विक मैथ है, मेंटल मैथ है, आप उसको टेक्निक के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको 12 घंटे भी लगा कर या प्रोसेस के जरिए मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटा, तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जनाब मैंने मल्टीप्लाई बाय 10, पहले मल्टीप्लाई बाय 10 सीख रहे हैं आज हम, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। मिसाल के तौर पे 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं होगा भाई, 1 10 का 10 ही होते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 को ऐसे ही लिखा और फिर उसके एंड में एक 0 का क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, 1 10 का 10। मैं कहूँ भाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 ऐसे ही लिख दो, आखिर में एक 0 लगा दो। तो आप सब जानते हैं 2 10 से क्या होते हैं, 20 होते हैं। इसी तरह अगर हम आपसे कहेंगे जरा 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे जरा 3 हो गया और इसके आखिर में 0 आ गया, 3 10 से क्या हो गया, 30। तो मीन्स दैट वेन एवर वी मल्टीप्लाई आर होल नंबर बाई 10, वट वी डू इज सिंपली पुट अ 0 एट द एंड। जब भी हम किसी होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस होल नंबर के आखिर में 0 का इजाफा कर देते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। मसलन अब अगर हम इसको और आगे करें, मैं कहता हूँ जनाब आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 20 अपनी जगह पे और एक 0 इजाफा कर देंगे, तो 20 10 से क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। आपने 21 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 21 ऐसे ही रहने दीजिए, 0 इजाफा कर दीजिए, 21 से क्या हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। आप 39 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 39 ऐसे लिखते हैं, आप उसमें 0 लगा दें, 39 10 से क्या हो जाएंगे, 390 हो जाएंगे। आप ऐसा करें 109 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आप 109 ऐसे ही रहने दीजिए, एक सिफर लगा दीजिए, 109 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1090। समझ रहे हैं आप लोग, आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि बेटा आपने 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, आपका काम है आपको 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद बेटा आपने
27 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने 105 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने 239 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर होम असाइनमेंट, ये आपका होम असाइनमेंट है, यू विल डू एट होम एंड गेट इट टू मी एंड गेट इट चेक बाय मी। आप इसे लाएंगे और चेक कराएंगे। अच्छा, आप स्कूल कब आएंगे? तो यू नीड नॉट टू कम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में नहीं आइएगा, यू विल विजिट द स्कूल इन द आफ्टरनून। आप 3 बजे से लेके शाम 7-7:30 बजे तक किसी भी टाइम आकर अपना काम चेक करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो समझ सकते हैं, आधा घंटा पौन घंटा या बैठ कर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जब आप स्कूल आए तो मेक इट श्योर कि आप मास्क पहन कर आए, और अगर आपको टेम्परेचर वगैरह है तो फिर स्कूल ना आए, ठीक है? एहतियात अच्छी चीज़ है, आप एहतियात करेंगे। अच्छा, अब हम इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा। साधी तौर पर अब हम 2 डिजिट ले लेते हैं कि जनाब हमने 21 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? बल्कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हम ऐसा कर लेते हैं, आप मल्टीप्लाई थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, मल्टीप्लाई अ होल नंबर, इसी होल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी एग्जैक्टली 10 से नहीं करना हो तो बिल्कुल आसान आसान था ना, अब थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। ऐसे करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 30 से, ठीक है? तो एक तो हम हो सकता है हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन हम इस तरह करते हैं, टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, हम 30 को ब्रेकअप करते हैं 10 के उसमें ना, तो 3 और 10 इधर चला गया, तो आप सब जानते हैं 3 10 से क्या होते हैं, 30 होते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कहेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 3 12 हो गए, सब जानते हैं छोटा सा टेबल है, फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो अब हमने क्या करा, 12 ऐसे लिखा, आखिर में 0 को इजाफा कर दिया, तो 12 10 का बेटा क्या हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। इसी तरह बेटा अगर आप ऐसा करें कि आप कहेंगे जी 5 को मल्टीप्लाई करो 60 से, तो बेटा पहले हम 60 को ब्रेकअप कर लेते हैं, 60 को ब्रेकअप किया 60 × 10 में, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 10 का हमने 200 में ब्रेकअप कर लिया, 6 अलग 10 अलग, 6 10 60 होते हैं। अब हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 क्या होते हैं, 5 6 30 होते हैं, आई थिंक आई एम राइट, 5 6 30 होते हैं। आप 30 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बेटा, 10 से। तो बेटा हमें क्या करना है, 30 ऐसे लिखा, 0 को इजाफा कर दिया, तो 30 10 से कितने हो गए, 300 हो गए। सो सिंपल, तो मुश्किल तो नहीं है, आसान है। अगर हम इस तरह कर लें, आप लोगों ने देख लिया इसको, कॉपी कर लिया, आपकी किताब की कुछ एग्जाम्पल देख लेते जो आपकी किताब में मौजूद है। ये हमसे कह रहे हैं कि 90 को 80 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं, तो हम ऐसे करते हैं 90 को भी 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, और आइटम 90 है मल्टीप्लाई बाय 80, ये जो पहला होल नंबर है 90 हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, 80 को हमने ब्रेकअप कर लिया, 8 और 10 हो गया बेटा। अब हमने टेबल किया, 8 0 का क्या होते हैं 0, और 8 9 का क्या होते हैं भाई 72 होते हैं, 8 9 का 72 होते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया 72 लिख दिया। तो ऐसे भी तो कर सकते थे हम, थोड़ी देर के लिए हम 0 को भूल जाते हैं, 8 9 का 72, आखिर में हमने 0 लगा दिया, ऐसे भी कर ले, पहले भी कर सकते थे 8 0 0 8 9 72, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात एक ही है। अब हमारे पास जब हमने 8 को 90 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 72, अब हमने 72 को मल्टीप्लाई करना है फर्दर 10 से, तो वेन एवर वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाय 10, वी नीड टू पुट अ 0 एट द एंड, तो 720 अपनी जगह रहा, एंड में 0 लगा दिया, तो वी कैन से 720 10 इज इक्वल टू 7200। अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आगे चलते हैं हम, और फिर हम आगे चलते हैं, तो एक और एग्जांपल यहां पे दिखा रहे हैं,
ये कहते हैं थिंक विद द प्रोडक्शन थिंक यू कैन ब्रेक अप 90 इंस्टीड ऑफ 80। ये हमसे कह रहे जरा सोचिए, ये कहते हैं जरा सोचिए कि 90 और 80 जो आपने मल्टीप्लाई करके 7200 आया है, ये जो 7200 आया है ये प्रोडक्ट है। जब हम किसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हासिल होता है, जो जवाब आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स द नंबर वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उस नंबर को प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं थिंक दैट, जरा सोचिए आपने 80 को ब्रेकअप किया, इफ यू ब्रेकअप द 90, अगर आप 90 को ब्रेकअप करते तो क्या आंसर यही रहता? तो भाई यही रहता या नहीं रहता करके देख लेते हैं। 90 को ब्रेकअप किया 9 और मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, इधर हमारे पास क्या आ गया 80 हो गया। अब मैं इसको रिशफल कर देता हूँ, इधर 9 ले आता हूँ, इधर 10 ले आता हूँ, इधर 80 ले आता हूँ, ठीक है। अब 9 को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप जानते हैं 9 को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 720 आएगा, आखिर में 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई फिर क्या करना है, 10 करना है, तो जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही होगा 7200 हो जाएगा। तो इसका सिंपल से ऐसे कर लें हम मुख्तसर तौर पे, चाहे हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 भी होता है, 3 2 6 भी होता है। तो व्हेनेवर टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय ईच अदर, जब भी दो नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे आप पहले वाले नंबर से दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करें या दूसरे वाले को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट उनका जो हासिल होगा वो हमेशा बराबर होगा, सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स। होल नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर आगे जाते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय 10, जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के आखिर में 0 का इजाफा कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लाई होल नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल से, तो हमने कहा जब कोई मल्टीपल ऑफ 10 होगा, जैसे 30 है, 30 को 200 में ब्रेक करेंगे 3 और 10, 40 है, 40 को 200 में ब्रेक करेंगे 4 10, 50 है, 50 को 200 में ब्रेक करेंगे 5 10, इस तरह आप ब्रेकअप करके ये करेंगे। समझ गए, होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये काम भी आपने घर से करना है, ये सारा काम जो आपने किया ये आप अपनी कॉपी में स्कूल की करेंगे। पहले आपने जी 50 को मल्टीप्लाई करना है 20 से सेम वे में, फिर आपने 40 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, फिर आपने 70 कर देते हैं, आपकी आसान कर देते हैं, 70 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, फिर आपने 80 को मल्टीप्लाई करना है 80 से, और फिर आपने 90 को मल्टीप्लाई करना है 70 से। ठीक है बेटा, तो दिस इज योर होम असाइनमेंट, ये बेटा आपका होम असाइनमेंट से, स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पे रुकिए और पढ़िए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।